चलिए रुक करते हैं, बड़ी खबर जो सामने आ रही है। तो करनाल में इनेलो के सैकड़ों पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज शर्मा ने भी इस्तीफा दिया है। तो बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, घरौंडा से पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान ने भी इस्तीफा दिया है। दुष्यंत चौटाला के समर्थन में सभी लोग आए हैं, जिसके चलते इस्तीफा देते हुए नजर आए। तो घरौंडा से पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान ने भी इस्तीफा दिया है। लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा था इनेलो पार्टी अब दो फाड़ हो चुकी है, वहीं अजय चौटाला के खेमे को समर्थन देते हुए ये सभी नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। घरौंडा से पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान ने भी इस्तीफा दे दिया है। दुष्यंत चौटाला के समर्थन में सभी लोग खड़े हैं। तो इनेलो के लिए एक बड़ा झटका, इनेलो के सैकड़ों पदाधिकारियों का ये इस्तीफा। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज शर्मा ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इनेलो के लिए समस्या काफी बढ़ चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनेलो के सैकड़ों पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज शर्मा ने भी इस्तीफा दिया है और सभी लोग दुष्यंत चौटाला का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब इनेलो पार्टी से इन सभी ने इस्तीफा दिया। तो सैकड़ों पदाधिकारियों ने ये इस्तीफा दिया है। तो अभय चौटाला के लिए एक बड़ी समस्या कह सकते हैं कि खड़ी हो गई है। एक तो लगातार पार्टी को तोड़फोड़ होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये कहा जा सकता है। दुष्यंत चौटाला के समर्थन में सभी लोग आए हैं। करनाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनेलो के सैकड़ों पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। घरौंडा से पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान ने भी इस्तीफा दिया है और इस्तीफे की वजह दुष्यंत चौटाला के समर्थन में सभी लोग आए हैं, जिसके चलते ये इस्तीफा दिया गया है। साथ ही लोगों ने इनेलो पार्टी पर आरोप भी लगाया कि कहीं ना कहीं पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी की गई है। बड़ी खबर आपको करनाल से बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला के समर्थन में सभी लोग आए हैं, पदाधिकारियों ने यह इस्तीफा दिया है। एक बड़ा झटका इनेलो को लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव भी नजदीक है, 2019 के चुनाव भी नजदीक है, उस तरीके से पार्टी को कहीं ना कहीं समर्थन लोगों का नहीं मिल पा रहा है और सभी का जो मत है वो दुष्यंत चौटाला के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।